कुकीज छोटों से लेके बड़े सबको पसंद आने वाली रेसिपी है और आज मैं आपके साथ में बहुत ही खस्ता और मुंह में घुल जाने वाली काजू कुकीज की रेसिपी लेके आई हूँ। दोस्तों ये कुकीज बहुत ही बढ़िया तैयार होती है और मैंने आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ में ये रेसिपी सिखाई है। ये कुकीज के अंदर काजू और पिस्ता का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो चलिए काजू कुकीज बनाना शुरू करते हैं। कुकीज बनाने के लिए पहले हम काजू का मिश्रण है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और उसके अंदर मैं 1/4 कप काजू ले लेती हूँ। 1/4 कप मैदा, जितना मैंने काजू लिया है मैं उतना ही मैदा डाल देती हूँ और इसे ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों इस प्रकार मैदा डालने से काजू को अगर हम ग्राइंड करेंगे तो उसमें से बिल्कुल भी ऑयल रिलीज नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया काजू का पाउडर हमें मिलेगा। मैंने काजू के मिश्रण को पीस लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमारा काजू का चूरा तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे शक्कर का भी उपयोग कर सकते हैं, पर मैं जब भी अगर कोई इस प्रकार की बिस्किट की रेसिपी बनानी है तो उसमें मैदे का ही उपयोग करती हूँ, जिससे हमें बहुत ही बढ़िया पाउडर मिलता है। काजू का पाउडर तैयार हो चुका है, अब मैं कुकीज बना लेती हूँ। मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैं 1/2 कप अमूल बटर ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर आता है उसका उपयोग किया है। जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप बटर लिया है। दोस्तों अगर आप अनसॉल्टेड बटर का यूज करते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, जिससे कुकीज बहुत ही बढ़िया लगेंगी। 1/2 कप घर की पीसी हुई चीनी, जितना मैंने बटर लिया है उतनी ही मैंने शक्कर ली है। दोस्तों ये काजू की कुकीज बहुत ज्यादा मीठी नहीं होती है, अगर आपको ज्यादा मीठी कुकीज पसंद है तो आप इसके अंदर 1 नहीं तो 2 चम्मच शक्कर और भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मैं इतना ही मीठा बनाती हूँ, पर आप चाहें तो एक्स्ट्रा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 teaspoon बेकिंग पाउडर, मैंने यहाँ पे जो 1/2 teaspoon आता है उसका 1/2 चम्मच लिया है, जो 1/4 teaspoon कहलाता है। हमें बेकिंग पाउडर का इतना ही उपयोग करना है। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब तक हमारा बटर लाइट और फ्लफी नहीं हो जाता और उसका रंग चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे बीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बटर बहुत ही अच्छे से बीट हो चुका है और फ्लफी भी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर बाकी की सामग्री ऐड कर देती हूँ। एक स्ट्रेनर रख देंगे और मैंने 1 कप मैदा लिया है, जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से 1 कप मैदा लिया है। 1 tablespoon वेनिला कस्टर्ड पाउडर, कस्टर्ड पाउडर डालने से कुकीज बहुत ही हल्की और फ्लेकी तैयार होती हैं। इसकी वजह से जब भी आप कुकीज बनाएं तभी उसमें कस्टर्ड पाउडर का जरूर से उपयोग कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर काजू का पाउडर जो हमने ग्राइंड किया था वो ऐड कर देती हूँ। अब मैं दोनों सामग्री को छान लेती हूँ। दोस्तों मैं इस प्रकार से हाथों से ही छान लेती हूँ। मैंने सारी सामग्री को छान लिया है। दोस्तों अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इसे अच्छे से हाथों से मिला के मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों हमें इसे अच्छी प्रकार से मसल के आटे को गूंदना है। अगर आपको लगे तो आप इसके अंदर 1 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं, पर दोस्तों ये परफेक्ट नाप है। कभी भी मुझे इस प्रकार से कुकीज बनाती हूँ तब दूध ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर कई बार अगर मैदे की क्वालिटी कुछ ऐसी हो जाती है जो ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो हमें इसके अंदर 1 चम्मच दूध ऐड भी करना पड़ता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आटा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं इसका एक पेड़ा बना के देख लेती हूँ ये परफेक्ट हुआ है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पेड़ा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है, हमारा आटा रेडी हो चुका है। अब हम कुकीज बनाने से पहले बेकिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है, उसके ऊपर मैं एक प्लेट को रख देती हूँ और इसे ढक के धीमी आंच के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए गर्म करूंगी। अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आप यही स्टेज के ऊपर 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ओवन को 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दीजिए। जब तक हमारी बेकिंग की तैयारी हो रही है तब तक हम हमारी कुकीज तैयार कर लेते हैं। दोस्तों मैंने एक पिज्जा का ट्रे ले लिया है और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर ले लिया है। मैंने ये 2 बटर पेपर लिए हैं क्योंकि हमें ये कुकीज नीचे से बहुत ही लाइट रंग की चाहिए, इसके लिए मैं इतने लेयर्स लगा रही हूँ। अगर आपने इसे डायरेक्टली ही ट्रे में रखा तो कुकीज नीचे से बहुत डार्क रंग की हमें मिलती हैं, तो इस प्रकार की प्रोसेस करने से कुकीज हमें बहुत ही लाइट रंग की मिलेगी। हमारा कुकीज के लिए ट्रे तैयार हो चुका है, अब हम कुकीज बना लेते हैं।
कुकीज़ बनाने के लिए मैं डो में से पेड़े बना लेती हूँ। मैंने कुकीज़ के पेड़े को तैयार कर लिया है। मेरे पास ये फ्रूट खाने के लिए जो फॉक आता है वो है, तो उससे मैं कुकीज़ के ऊपर डिज़ाइन बना लेती हूँ। पहले मैं सेंटर में से दोनों साइड से डिज़ाइन बना लेती हूँ और फिर साइड से मैं दो डिज़ाइंस बना लेती हूँ और दूसरी साइड भी कुकीज़ के डिज़ाइन बना लेती हूँ। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल आप उस प्रकार से इस पे डिज़ाइन बनाइएगा। दोस्तों ये कुकीज़ बेक होने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, है ना खूबसूरत, जिसे देख के ही खाने की इच्छा हो जाए वैसी कुकीज़ हमारी डिज़ाइन तैयार हुई है। और अगर दोस्तों आपके पास ये फोक नहीं है तो आप कोई भी टूथपिक की मदद से या तो हमारा जो चम्मच होता है उसके पीछे के हिस्से की मदद से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। हमारी कुकीज़ बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे कुकीज़ तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे कुकीज़ तैयार कर लिए हैं, मैंने कुकीज़ अरेंज कर लिए हैं। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा दूध लगा देती हूँ। और मेरे पास ये बारीक कटे हुए पिस्ता है वो रख देती हूँ। दोस्तों ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इस प्रकार से इसे सजाइए, नहीं तो आप डायरेक्टली ही इसे सर्व कर सकते हैं। बारीक कटे हुए पिस्ता इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया टेस्ट देते हैं, आप ज़रूर से इस प्रकार से बनाइएगा। मैंने सारे कुकीज़ तैयार कर लिए हैं और दोस्तों ये देखिए इतना डो बच गया है, इसे मैं दूसरे बैच में रेडी करूँगी। कुकीज़ को बेक करने के लिए हमारा पैन भी गर्म हो चुका है। मैं ये ट्रे को पैन के अंदर बेक करने के लिए रख देती हूँ और इसे धीमी आंच के ऊपर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करूँगी। और अगर आप इसे अवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री के ऊपर 30 से 35 मिनट के लिए इसे बेक कीजिएगा। 30 मिनट हो चुके हैं और दोस्तों बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, मैं कुकीज़ को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्की गुलाबी रंग की ये नीचे से हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया बेक हुई है। मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको स्टेप सिखाए हैं बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आपने इसे फॉलो किया तो आपकी कुकीज़ भी गैस के ऊपर इस प्रकार से लाइट कलर की ही मिलेगी और ये बहुत ही आसानी से बटर पेपर में से निकल आती है। दोस्तों ये अभी बहुत ही गर्म है तो मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आधा घंटा हो चुका है और कुकीज़ एकदम ठंडी हो चुकी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया कुकीज़ तैयार हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल अब वही स्टेप अगर आपने भी फॉलो किया तो आपकी कुकीज़ भी बिल्कुल जैसे अवन में रेडी होती हैं वैसी लाइट कलर की तैयार होंगी। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से, ना ही हमने बटर पेपर को ग्रीस किया है, फिर भी ये कुकीज़ निकल आती हैं। मैं आपको इसे एक तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी जालीदार और खस्ता कुकीज़ तैयार हुई हैं। ये कुकीज़ बनाने के लिए हमने कस्टर्ड पाउडर का और काजू का यूज़ किया है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। हमारी टेस्टी यम में डिलीशियस काजू कुकीज़ बनके तैयार हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।